जय माता दी दोस्तों, दिल से दिल्ली में आपका फिर से स्वागत है। नवरात्रों की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आज मेरा व्रत है तो मैं व्रत के लिए बना रही हूँ समा के चावल के पुलाव, जो कि व्रत में खाए जाते हैं, और साथ में खीरे का रायता। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें मेरे वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में छोटी सी बेल है उसे भी दबा देना। तो चलिए फ्रेंड्स, समा के चावल के पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक कटोरी समा के चावल लिए हैं। ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो 200 ग्राम समा के चावल लेंगे। एक बाउल में निकाल लेंगे हम चावल, और हमें पानी डालकर 3-4 बार इन्हें अच्छे से वॉश करना है। थोड़ा हाथों से मसल कर इनको हम धोएंगे चावल को। तो यहाँ देखिए, 3-4 बार मैंने चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है, और थोड़ा सा पानी डालकर हम इन्हें ढककर रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम चेक करेंगे, ज़्यादा नहीं भिगोना, बस आधे घंटे के लिए हमें चावल भिगोने हैं। तो यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं पुलाव बनाने के लिए। 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की गाजर, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 आलू इस शेप में काट लिए मैंने। 50 ग्राम मैंने पीनट लिए, 8-10 करी के पत्ते लिए हैं, और थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और 4-5 हरी मिर्च मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो सब्जियाँ यहाँ अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है, गैस का फ्लेम यहाँ लो है। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है, आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे इसमें हम। तेल आप इसमें वही डालें जो कि आप व्रत में खाते हो तेल। आप चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। अब साथ साथ में हम इसमें हरी मिर्च जो हमने चॉप करी थी वो भी ऐड कर देंगे, और साथ में हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल देंगे। जब भी आप किसी चीज़ में तड़का लगाएं फ्रेंड्स, तो गैस का फ्लेम यहाँ पर आप लो ही रखें। और करी के पत्ते भी हम साथ साथ इसमें डाल देंगे। अगर आप व्रत में करी के पत्ते खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने मसाला भूनने के बाद इसमें हमने आलू ऐड कर दिए हैं। आलू को हमें थोड़ा फ्राई करना है जब तक ये थोड़े सॉफ्ट ना हो जाएं। और आलू के साथ साथ ही मैंने इसमें पीनट भी डाल दी थी ताकि ये भी थोड़ी फ्राई हो जाए। पीनट भी यहाँ ये कच्ची पीनट डाली है मैंने इसमें, इनको भी हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, आलू और पीनट अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम गाजर ऐड कर देंगे। गाजर को भी हम थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। थोड़ी देर बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। ये जो सारी सब्जियां हैं, आलू, पीनट, गाजर, टमाटर, बस हमने 2-3 मिनट इनको पकाया है। और साथ साथ हम इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं। यहाँ मैंने 2 छोटी चम्मच सेंधा नमक ऐड करा है, जो व्रत में खाया जाता है। नमक आप अपने हिसाब से डालें, अपने स्वाद के हिसाब से आप इसमें नमक ऐड करें। मिला देंगे सारे मसालों को सब्जियों के साथ हम अच्छे से। ये देखिए, 2-3 मिनट हमने इनको भून लिया है अच्छी तरह से, मसालों के साथ सब्जियों को। सब्जियाँ सारी सॉफ्ट हो गई हैं। लास्ट में मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड करी है। शिमला मिर्च इसलिए लास्ट में मैं ऐड करती हूँ ताकि ये थोड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, जल्दी गल जाती है शिमला मिर्च। तो आप शिमला मिर्च को लास्ट में ही ऐड करें सब्जियों के साथ। अब साथ में जो चावल हमने आधा घंटा पहले भिगोए थे वो भी इसमें डाल देंगे हम। ये व्रत वाले चावल के पुलाव हैं, इसमें मसाले हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। जो व्रत में मसाले खाए जाते हैं बस वही हम इसमें ऐड करेंगे चावल में। मिला देंगे हम चावल के साथ सारी सब्जियों को। तो यहाँ मैंने एक कटोरी समा के चावल लिए थे, तो उसी कटोरी से मैंने इसमें 3 कटोरी पानी ऐड करा है। उसी कटोरी से पानी ना पाए मैंने, तो पानी डाल देंगे हम चावल में। आप एक कटोरी समा के चावल के साथ साथ 4 कटोरी पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 3 कटोरी पानी ऐड करा है, जो कि मुझे काफ़ी लग रहा है पानी इसमें। अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। अब इसमें डाल देते हैं, मिला देंगे अच्छे से हम इसको। और साथ में मैंने इसमें 2 छोटी चम्मच चीनी ऐड करी है। अगर आप इसमें चीनी खाते हैं तो जब ही डालें चीनी, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। चीनी डालना टोटल ऑप्शनल है,
क्योंकि थोड़ा मैं इसको खट्टे मीठे चावल बना रही हूँ, इसलिए मैंने चीनी इसमें ऐड करी है। हम इसको लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे और हम इसको 7 मिनट बाद चेक करेंगे। तो दूसरी तरफ मैं यहाँ बना रही हूँ खीरे का रायता। तो यहाँ मैंने आधी किलो दही ली है, ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो 500 ग्राम दही है ये। मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है और 2 खीरे मैंने लिए थे, इनको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और उनका सारा पानी निकाल दिया था मैंने हाथों से निचोड़कर। अब दही में मिला देंगे हम खीरे को। मसालों में हम वही मिलाएंगे जो कि हम व्रत में खाते हैं मसाले, इसमें सेंधा नमक 1/2 छोटी चम्मच, नमक आप स्वाद अनुसार ही डालें, और 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पीसी हुई। आप इसमें हरी मिर्च भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं और हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हैं रायते में, लेकिन मैंने इसमें काली मिर्च ऐड करी है और हरा धनिया मैंने इसमें डाला नहीं बिल्कुल भी। अब इसको ढक देंगे और दूसरी तरफ हम तड़का तैयार करेंगे रायते के लिए। तो यहाँ मैंने छोटा एक पैन रखा है तड़का लगाने के लिए, 1 छोटी चम्मच तेल डाला है इसमें, गैस का फ्लेम यहाँ पर लो है, और यहाँ मैं इसमें तड़के में 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 2 मैंने मिर्च जिनको मैंने लंबा लंबा चॉप कर लिया था इस तरह से, और 4-5 करी के पत्ते तड़के में डाल देंगे हम। अब मिर्च को करी पत्ते के साथ हम अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम पर ही। तो जब तक हमारा तड़का तैयार होता है, दूसरी तरफ हम चावल चेक कर लेते हैं। 7 मिनट हो चुके हैं तो देखते हैं चावल को। ये देखिए अभी चावल अभी हमारे अच्छे से पके नहीं हैं। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि चावल को आपने लो फ्लेम पर ही ढककर पकाना है और बीच बीच में चेक करते रहना है चावल को। फिर ढक देंगे, 5 मिनट बाद फिर चेक करेंगे हम चावल को। तो यहाँ तड़का तैयार है, तड़का हम डाल देते हैं रायते में। ये देखिए तड़का हमने रायते में डाल दिया है, हम ढककर रख देते हैं इसको रायते को और चावल चेक कर लेते हैं। ये देखिए सामा के चावल के पुलाव बनकर तैयार हैं। टोटल ये चावल बनने में 10 से लेकर 12 मिनट का टाइम लगा हमें, लो फ्लेम पर हमने बनाया चावल। देखिए बहुत ही अच्छे चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इन चावल की खिचड़ी भी बनाकर खा सकते हैं ये सब्जियाँ डालकर। और लास्ट में मैंने एक नींबू का रस है जो कि इसमें डाल दिया मैंने। मैं खट्टे मीठे चावल बना रही हूँ। तो यहाँ समा के पुलाव हमारे बनकर तैयार हैं और साथ में है तड़के वाला खीरे का रायता। दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं, आप इनको कभी बनाकर खा सकते हैं जब भी आपका मन करे। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करें और अपने विचार मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।